नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखना है इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो सबसे इसमें पहले आपको क्या करना है कि एक 100 mm का डायमीटर का सर्कल निकालना है और एक 60 mm डायमीटर का, मतलब यहां से ये रेडियस आपका 50 रहेगा और यहां से ये आपका रेडियस कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो ये सर्कल निकालने के बाद क्या करना है, जो बाहर वाला सर्कल है आपको उसको क्या करना है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 12 पार्ट्स में अगर बाहर वाला सर्कल डिवाइड हो जाता है तो अंदर वाला भी डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ ये जो 2 था यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ये जो 2 है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये सारे ऐसे लाइन लेने के बाद ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, मतलब ये 1, 2, 3, ये 4 वाला पॉइंट, ये 5 वाला, ये 6 वाला, यहाँ से क्या करना है आपको, ऐसे एक इलिप्स ड्रॉ करना है। इलिप्स का एक मेजर एक्सिस रहेगा, ये रहेगा 100 का और ये रहेगा 60 का। तो ये ड्रॉ कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ। सर्कल का सेंटर लाइन रहेगा, ये सेंटर लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। फिर यहीं पे क्या कर लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ 30 का और 50 का। मैंने क्या किया, ये 30 का मार्किंग करा, ये 50 का मार्किंग किया, ओके। और यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपास रखा, कंपास रख के यहाँ तक का 30 तक का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे क्या किया मैंने, सर्कल बनाया। अभी मुझे क्या करना है, सर्कल को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इतना जितना रेडियस था वो कंपास में ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से इतना रेडियस का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रख के इधर इस साइड चाप और ये साइड में एक चाप, वापस यहाँ पे रखूँगा ये साइड में और ये साइड में एक चाप, वापस यहाँ पे रखूँगा इधर एक और इधर एक, वापस वैसे ही यहाँ पे इधर एक और इधर एक, ठीक है। आपके ये सर्कल क्या हो गया, 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको नंबर्स दे दो, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी ये क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो, ये 2 और 8 ज्वाइन कर लो, ये 3 और 9 ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ ये ऐसे ही सेम, ये 5, 11, 6, 12, 5, 11, ये 6, 12, ये क्या कर लिए मैंने, ज्वाइन कर लिए। सेम नंबर आपको क्या करना है, अंदर भी देना है, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12। अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है आपको, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। मैंने क्या किया, वापस ड्राफ्टर ये लाइन को पैरेलल किया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 का लाइन है यहाँ से नीचे लाइन ले लो और ये जो 2 का लाइन ये है पॉइंट है, यहाँ से 2 का एक लाइन ले लो। सेम वैसे ही आपको क्या करना है, 3 का करना है, ये कर लिया ऐसे। सेम अभी 12 से क्या करना है, ऊपर की तरफ लाइन लेके जाओ और ये जो 12 है ये 12 यहाँ से ये साइड लाइन लेके जाओ, ठीक। वापस 11 का भी वैसे ही करो, ऐसे ही ये साइड में ही करना है। ये 9 है, यहाँ से ऊपर लाइन लेके जाएंगे, इधर से इधर लाइन लेके जाएंगे, ये 9 से ऊपर लाइन लेके गया इधर से, लेकिन ये लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अनइक्वल लाइन निकालते हैं। अभी ये 5 से नीचे लाइन और ये 5 से इधर, ये 6 से इधर, 6 से इधर, ठीक। अभी ये जो पॉइंट्स है, ये 1 वाला पॉइंट है, ठीक, ये 1 वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, सॉरी 10, ये पॉइंट्स क्या करने हैं आपको, आपको आप तो एक तो फ्री हैंड्स से उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ कर से उसको ये पॉइंट से ऐसे लाइन पास करना है आपको फ्री हैंड,
नहीं तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ये आपका इलिप्स रेडी हो गया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।